तो गाइस इसी के साथ T2 की स्क्रीन की भी कास्टिंग चालू हो चुकी है, तो देखिए बैठ के एंजॉय करें। Too late, begging on the floor for me. I'm not the same. I'm standing on my own two feet. ब्रो मॉनिश ब्रो, ये T2 है, इसके लिए प्रमोट होना पड़ता है ब्रो। रजिस्टर तो T3 के लिए करवाना पड़ता है, बस इसमें प्रमोट होते हैं। तो प्रमोट होने के लिए पहले आपको T3 खेलना पड़ेगा। खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड का, ज्वाइन करें। एंड चार बंदे देख रहे हो, लाइक तो कर ही दो, दो लाइक हुए अभी, चार बंदे देख रहे तब भी। एडी बाई, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। Thank you.
ड्रेसियल ऑन फायर भाई लगाते हैं यार, चेंज करते हैं गाना। मैं वैसे भी कल से चेंज हो जाएगा ये गाना, मेरे को भी अब बोर होने लग गया है। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया गाना एन सी एस का ढूंढेंगे हम इससे। वैसे सारे गाने बढ़िया होते हैं और बढ़िया ढूंढेंगे इससे। Too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. Coming back.
Let's go. Chalo, started. ये चालू हो चुका हमारा ये T3 यानी कि टायर्स नहीं T3 नहीं सॉरी ये T2 है लाइट स्क्रीन है ये टायर 2 और व्हाट दिस इज अ सिमुलेशन गेम सेट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल लाइफ प्लीज प्ले इन मॉडरेशन टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पॉन्सिबली विंडोज पर प्रिंट स्क्रीन से लेते हैं स्क्रीनशॉट बाबू की टीम है ये फॉरएवर कश्यप की टीम जा रही है चल रहा प्लेन चल रहा का दूसरा नाम पंजाब वॉरियर्स या सही बोल रहे हो ऋषभ सही बोल रहे हो ऋषभ अपनी वीसी आ जा बैठते हैं एंड यहाँ पे सामने देखो तो भाई टीम फाइव के बंदे उतरे TST कैंपर को पड़ रही थी यहाँ पे TST कैंपर ने एक बंदा नॉक किया बट उसको पीछे से भाई टीम सिक्स की ओर से पड़ती हुई एंड ऋषभ आपको कहा जाता है कि पंजाब वॉरियर्स वाली अपनी वीसी कम्युनिटी वीसी में आ जाइए जल्दी से हम बात करते हैं वहाँ पे यूके चेरी हैं सामने जिनको अभी यूएम पी का स्प्रे पड़ता हुआ टीम सिक्स के बंदे को और TST कैंपर ने उनको भी नॉक कर दिया कैंपर ने यहाँ पे दो बंदे नॉक किए हैं देखते हैं किस तरफ ये रश करेंगे या नहीं आ जाओ मैं वीसी में ही हूँ एंड TST कैंपर एक जगह रश कर देंगे एंड यहाँ पे घुस चुके हैं वो टीम सिक्स के सामने वाले बंदे पे जो कि नॉक पड़े हुए हैं नीचे की तरफ पहुँच चुके हैं गुड्डू भैया भी हैं नीचे एंड फ्यूरी भाई सामने की तरफ है कवर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे अपने टीममेट को प्यूरी फ्रोस्टी पड़ेगी अब मेरे को लग रहा है TST कैंपर को यहाँ पर पड़ने वाली है TST कैंपर घुसे और ये सामने रिवाइव कर रहे थे बट फिनिश कर दिया भाई फिनिश कर दिया बट दूसरे बंदे को नॉक नहीं कर पाए यहाँ पे ब्रिज डैडी ने यहाँ पे IR के टीम के एक बंदे को कर दिया है नॉक मैंने भी नॉक कर दिया एंड लो भाई ब्लीच डैडी भी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं TST की स्क्वाड यहाँ पे पूरी की पूरी हो गई है ख़त्म IR के कॉर भाई अभी तक नॉक पड़े हुए हैं हाँ D4S का भी एक बंदा यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है RS OP ख़त्म कर दिए गए हैं यहाँ पे RS इटाची OP की तरफ से D4S के तीन बंदे बचते हुए बट D4S के बाकी के दो बंदे पता नहीं कहाँ हैं अगर इधर अकेले हैं D4S के AR टीम टाइमस SS भाई पता नहीं क्या ही नाम रख रखा है इन्होंने दो ही मैच है क्या अभी एक ही मैच है दो है इसके तो T2 के एंड भाई ऐसे देखो कितनी कितनी अच्छी लगती है टीम सभी ने D4S देख रखा है हमारे भाई पता नहीं क्या क्या टैके हां उसी से आके D4S के एक बंदे ने कर दिया है 69 ने कर दिया नौ बंदे को टैके देखती दीगू बकाडी हां अक्कू क्लैन टैग सेम हो क्या ही लगती है वो स्क्वाड हमने इनको भाई वो भी दिया कि चलो तुम DP लगा लेना अपनी जो हमने दी वो भी नहीं लगाई इन्होंने बेइज्जती
क्या कर सकते हैं, मैं दूसरे क्लाइंट को ऑफर आया है मेरे पास सरस भाई ने 2 लाख रुपए डीफोरेस्ट ने अभी आरएस के बंदे को भाई नेट के साथ कर दिया फिनिश। सरस भाई कल मेरे ही टीम में खेल रहे थे, उन्हीं को नॉक फिनिश डाल दिया, फिर हम लोग हेलो पीडब्ल्यू भाई आप ही होना, केडी भाई ने कहा है आपके लिए एक आपके लिए थंबनेल बना देने को। हाँ मैं ही हूँ पीडब्ल्यू भाई बहन। अरे इसमें एसटीबीआर के 3 जन खेल रहे यार, सरस भाई मेरे को बुला देते यार, क्या कर पहले बताते। और देख भाई ये किस से, मतलब छोटे से घर में बैठे हुए हैं अभी, मतलब नीचे जो हिडन हाउस होता है डीफोरेस की टीम वहीं पे देख रही है, रश कर रही है। टीम टू के बंदे यहीं पे बैठे हुए हैं हिडन हाउस के अंदर, बैंडेजेस फेंक रहे हैं। आईआर कोर की टीम यूडी की टीम के बंदों को नेट के साथ यहाँ पे नोका नोकी करते हुए, नोक झोंक प्यारी सी नोक झोंक होती है उनकी। नेक्स्ट मैच अगर सरस भाई के 3 बंदे रहेंगे तो पूछ यार किसके पास वो है नेम कार्ड, नाम चेंज करवा यार देखा थे बंदे को तो। और ये डोमी के ऊपर नेट आया, डोमी नेट नॉक और डीफरस की टीम घुस के लेट होने का फायदा उठा गई है यहाँ पे डोमी की टीम। नया आईडी बना सकते हैं, बनाओ दो आईडी से सकते हैं क्या। डब्ल्यू ए बी टी एन टी ने यहाँ पे गुड्डू भैया को कर दिया भाई नॉक, कहाँ है डब्ल्यू ए बी की टीम। एस टी बी आर की टीम को देखे तो भाई उतरी हुई है, जास ने यहाँ पनीर लाना में सामने की तरफ दो दो स्क्वाड्स हैं इनके, टी आर एक्स की स्क्वाड भी है यहाँ पे। वो आईडी से केवल तुम वही खेलोगे T3 तो उससे तुम्हारा लेवल तो अप होगा नहीं, फिर वो बोलेंगे हैकरों की स्क्वाड आ गई। कौन होगा यार किसी के पास नहीं है क्या रीनेम कार्ड, डीगू से पूछ डेक्सी से पूछ होगा किस सब के पास भाई, क्योंकि बीजीएमआई जब आया था तब मिला था। मुझे क्या एक काम करते हैं, पूछना पड़ेगा तो करना, तेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तू निभाता ही नहीं है। टीएस की टीम भी यहाँ पे जासना है कि पनीर लाना में। मेरे बैकग्राउंड में से आवाज तो नहीं आ रही ना, आ रहा है क्या आ रहा है? पूजा कहता है स्ट्रीम पे नहीं जा रही मेरे ख्याल से, स्ट्रीम पे सुनो, स्ट्रीम पे तो नहीं जा रही। यार फोर के बंदे भी अभी नॉक हो चुके हैं भाई, बताइयो मैं चुप बैठा हूँ, स्ट्रीम पे बताइयो आ रही है कि नहीं। और ईयर फोर के लूसीफर भाई को भी नौकर दे दे, रोमियो बचे हैं अकेले, कितनी ज़्यादा आ रही है। 16 16 बैरो वाला दीन को क्या रिफ्लेक्स दिखा के नॉक कर दिया गया यहाँ पे, ईयर फोर रोमियो आगे की तरफ बढ़ते हुए एंड एलएमआईडी के एंड वाले बंदे बचे हुए हैं। आई थिंक ये एलएमआईडी इसके बाद और एक गेम है ना। हाँ क्या ही प्रॉन शॉट मारा ईयर फोर रोमियो ने कर दिया है यहाँ पे, एचएसएम की स्क्वाड को ख़त्म। जान बुझ के करते हैं बाद है मेरा मास्टर भाई को डीएम करते हैं, जान बुझ के करते हैं, तेरे को पता है क्या एनएस निक्स्टार ने यहाँ पे भाई कर दिया ईयर फोर के सैम गेमर जी को नॉक, जो मेरी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से मार उसको ओपी वे। किसको कह रहा है मार? अरे ये जो अभी स्क्वाडोस में मारा ना
अच्छा तो पीछे देख रहा थोड़ा सा, पता है कितना लाइव तो चल रहा है? नहीं लाइव नहीं होगा, देख अभी एक जन नॉक हुआ है ना। हाँ एनएस की टीम ने नॉक किया था। हाँ रिवाइव कर रहा है वही तो। खान पैनी वाला पैनी यहाँ पे ईआर फोर का भाई क्या ही कर रहे हैं क्या ही भाई। अलाइव कितने हैं नहीं दिख रहा ओवरले की वजह से। जैकल ऑन फायर भाई अलाइव है 53 पीपल और अलाइव। कोई ना कोई एक टीम पाइथन ओपी थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। पाइथन ओपी थैंक्स फॉर 20 रुपीस सुपर चैट जो आपने की नहीं है। एंटू पे यहाँ पे शुभम ओपी भाई नॉक पड़े हुए, इनको फिनिश कर दिया गया फॉरएवर की टीम की तरफ से। टीसीएस जोकर ने कर दिया इनको फिनिश। अपना शुरू करना है यार शुरू। मैं तो कर रहा हूँ यार कब टीम्स हो जाए जी। हो तो गए दस हो गए टीएलसी की टीम के एक बंदे को नॉक कर दिया गया यहाँ पे तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता क्या मैं तो रिस्पॉन्स आए ना एनएस निकस्टार को यहाँ पे एयरफोर्स की टीम के वजह तरफ से कर दिया गया नॉक। चलते हैं जोन के बाहर एयरफोर्स की टीम की तरफ और एस कारल के साथ एनएस के एक और बंदे को नॉक कर दिया गया। एनएस के दो बंदे डाउन है, एक ही बंदा बचा। आई थिंक एनएस का अब यहाँ कवर दे रहा है दूर से अपने टीममेट्स को बट आई थिंक बचा नहीं पाएंगे यहाँ पे। स्मर्फ नॉटी कल क्लच गॉड को लाऊंगा कल क्लच गॉड को लाऊंगा नाम ही चेंज करते भाई। पूछो क्लच गॉड से भी नाम है तेरे पास सबसे पूछ। मेरे पास तो नहीं है रिमेल कार्ड वाला। तेरी दूसरी आईडी में है उसमें करेंगे ना चेंज। वो आईडी में हाथ तो नहीं लगा था। अच्छा ठीक है सर एक को एक काम करते हैं। हां बोल। हमको अपनी टीम का नाम रखना पड़ेगा लोडेड लेसन टीम। टीएलसी की टीम ने यहाँ पे ऑर्बिट के एक बंदे को कर दिया नॉक। ये रहे ऑर्बिट भाई जो हुए पड़े हैं नॉक। मिस्टर इंडिया की टीम ने किया नॉक। टीम फोर सामने की तरफ ही है यहाँ पे। टीम फोर्टीन के सामने मिस्टर इंडिया की टीम के सामने टीम फोर। टीआर की एक्वीप भाई ने यहाँ पे डीएस के एक बंदे को नॉक कर दिया है। सर भाई आपने डीएम कर दिया होता है एंड वहां पे देखे तो भाई मिस्टर इंडिया के बाकी बंदों ने सामने की तरफ टीम फोर के बंदों को नॉक किया होगा। दिखा कि नहीं क्या नहीं दिखा नहीं ये पॉसिबल है। टीएलसी की टीम ने यहां पे ऑर्बिट के बंदों को किया हुआ है नॉक। टीम फोर के सारे बंदे नॉक। सिर्फ एक बंदा बचा पीछे की तरफ से बग्गी लेकर आते हुए टीएनटी के सैवेज भाई यहां पे बग्गी। क्या और एक गाड़ी फोड़ के मिस्टर इंडिया ने कर दिया भाई खत्म। नहीं हो सकता थंडर। डीफॉरेस्ट की टीम की भी यहाँ पे फाइट हो सकती है सामने की तरफ है। यहाँ पे E4 की टीम ने भी यहाँ पे भाई E4 की टीम ने जो बंदे खत्म किए थे। इधर तो कोई नहीं आएगा। थंडर कौन है? थंडर जो थंडर है। अरे मतलब कौन से टीम से खेल रहे हैं? कौन? वो कौन से टीम से खेल रहे हैं? थंडर तो खेल ही नहीं रहा और बीच स्ट्रीम पे। हेलो थंडर भाई सुन रहे हो? हेलो थंडर भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? Do like and subscribe. अच्छा मैंने दो लाइक ले भाई। टीआर के एक भी बोपी हैं। कुछ
कोई नहीं ना, मैं म्यूट करके बैठ जाता हूँ स्ट्रीम पे ना। हाँ अरे उसने मेरे को नॉक कर दिया, नॉक करके फिनिश किया, तभी शिंजो ने क्लोज इन करके। हेलो आकाश ठाकुर भाई कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम। कम कर मेरा मार्क वाला कंपाउंड जा, वहाँ पे जाओ। तो ग्यारह आ जा, हर बार कोई तो पकड़ रहा भाई। यार ओ माय क्या? नहीं 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 कोई नहीं। हाँ आकाश ठाकुर भाई आप खेल तो सकते हो, बट ये T2 है, इसमें प्रमोट होना पड़ता है। T3 में पहले रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करने के लिए भाई प्रोसेस है जो आपको डिस्क्रिप्शन में स्पॉट में ज्वाइन करने के बाद बता दिया जाएगा। मेरा मार्क पे जा, ब्रेक्स टू बेब मिराडो के नीचे रुकने वाले। क्या ही नॉक किया सरद भाई ने यहाँ पे ग्रोजा के साथ, ER के एक्विबॉक्सी को। ओके ओके यप, बंदे क्या वहाँ पे सरस भाई यहाँ पे क्या चीज है वहाँ पे, अपने उधर टीआर के टीम के यहाँ पे बंदा नॉक पड़ा हुआ है, उसको रिवाइव देने की कोशिश की जाएगी। टीआर के रेंजर भाई जा रहे हैं पहले, पीछे पीछे पीछे। आई थिंक एसटी बियर के बंदों को यहाँ से जाके लेफ्ट से इजी ले सकते हैं। ब्रो आपके T3 मैचेस डेली होते हैं? हाँ जी ब्रो डेली होते हैं हमारे T3 मैचेस, रेगुलरली होते हैं। एंड यहाँ पे MW ने भवानी को कर दिया है फिनिश, MW की टीम ने क्यूरी की टीम को कर दिया है फिनिश, नेट जोर के साथ गन के साथ जो अभी हमें दिखे। टीयर की टीम ने यहाँ पे रेक्स ओपी को कर दिया है, रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं हमारे स्पीकर भाई रेक्स ओपी को। डीपी है अभी देख के, कैसे नॉक निकल लेट के देना सिंजो, लेट के दियो एकदम लेट के। हाँ जी आकाश ठाकुर भाई सारे मैचेस की होती है लाइव स्ट्रीम भी, एवरी मैच मैच। एक काम कर शेल्टर के ऊपर चला जा, मेरा मार्क पे जा, हिल करके शेल्टर के ऊपर निकल जा। मैं इन लोगों को पुश करने का सोच रहा हूँ, इन लोगों को सोच रहा हूँ पुश करूँ कैसे इस शेल्टर के ऊपर से। शेल्टर नहीं डायरेक्ट मत कर, शेल्टर से तू लोग नॉक कर पाएगा, शेल्टर से नॉक कर पाएगा। बीस बीस तो शेल्टर में फट लीजिए, ऊपर पहाड़ पे चल जाए। अभी जैसे कि हमने देखा अभी श्री बेल ने नॉक किया है। थैंक्स ब्रो, कल मिलते हैं आपके रूम में। IWNL ज्यूस मेरा नाम, ओके आ जाओ ब्रो। बीच मिकी भी यहाँ पे नॉक हुए थे, उनको रिवाइव कर दिया गया है। ब्रिक्स राइट से चला जा। देखिए तो भाई यहाँ पे सामने की तरफ E4 की टीम के ऊपर स्प्रे मारा अभी श्री बेल ने, क्या ही नॉक किया M4 के साथ। और देखते हैं यहाँ पे फिर से बीस्ट की टीम क्या खेलती है। अबे शिंजी तेरे को जब पता है कि इंडिया का स्पेक्टर करो करता हूँ, निकल रहा स्ट्रेट निकल जाना। हाँ तो तू जो मिडिल में है तभी तो फुट से मिला गेट का बंदे का, तेरे को नहीं है क्या? गाड़ी निकाल के जा रही है यहाँ पे मिस्टर डी। तू जो मिडिल पे था उस टाइम पे मेरे को पूरा फुट मिल गया उसका, यहाँ पे तू जब आया था। होल्ड कर
आई थिंक ईफर के बंदे को यहाँ लूटे पे ना लोग, गाड़ी कॉल सीज पे करने थे। दी जा रही है इंस्ट्रक्शंस। नहीं नहीं मरना, और वहाँ पे 20 रुपये दुख चुके हैं। 20 रुपये को देखे जरा, 20 रुपये के टीम में यहाँ पे दूट रहे थे। कि नहीं नहीं देखे, उसको पुश कर दे, ये सोलो बंदे को पुश कर दे, जो इसको पड़े ना उसको पुश कर दे, राइट से के पुश कर दे। पहले वो जहाँ पे रुका हुआ था ना वहाँ पे जा, वो जो गड्ढे पे मुंह पे रुका हुआ था वो सिलेंडर के मुंह पे जा। दिखा रहे हो, देख रहे हो, सिखाया जा रहा है यहाँ पे ऑल पे E4 के टीम के बंदे को कैसे खेलो क्या करो, ऑल पे सारी की सारी स्ट्रेटजी बताई जा रही है। नीचे की तरफ यहाँ पे टीममेट के बंदे भी आ चुके हैं एंड वहाँ पे पीस की टीम पूरी की पूरी स्क्वाड इकट्ठी हो चुकी है। और इसी के साथ देखा जाए तो MW के बंदों को नॉक कर दिया गया, मॉली लगा के यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। MW का एंड वाला बंदा बचा, स्ट्रे गॉड फॉरएवर की टीम ने यहाँ पे आके MW की टीम के भाई बंदों को नॉक किया। स्प्रे गॉड YT बचे अकेले, देखते हैं इनके साथ क्या होता है। यहाँ पे TR की टीम ने BST की टीम को कर दिया फिनिश। MW स्प्रे गॉड YT देखते हैं क्या करते हैं। मॉली जा रही है इनके ऊपर और ये भाई उतर चुके हैं नीचे की तरफ। फॉरएवर एक्स की टीम के एक बंदे को नॉक कर दिया गया, DP के साथ स्प्रे देने की कोशिश, मतलब स्प्रे देके नॉक करने की कोशिश, बट फॉरएवर एक्स नील ने एम्बर ग्लेशियर के साथ कर दिया है ख़त्म। ऊपर से E4 की टीम भी देखेगी यहाँ से। TR की टीम भी यहाँ पे जोन की तरफ निकल चुकी है। आकाश भाई, आकाश ठाकुर भाई 6 PM में रजिस्टर करने के लिए अभी, मतलब हम टीम्स इकट्ठी हो रही हैं, हो चुकी हैं, मतलब लगभग लगभग ज़्यादा बहुत ज़्यादा टीम्स नहीं कह सकते बट 10-15 टीम्स इकट्ठी हो चुकी हैं, तो उन्हीं के साथ हम शुरू करने वाले हैं वो E3 के स्क्रीम, जो कि 2 PM 6 PM वगैरह सारे होंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, एक दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर सोचते हैं आज कल में ही चालू कर देंगे हम वो इवनिंग वाले T3 6 PM वगैरह सारे, एंड हो सके तो उसकी भी स्ट्रीम होगी हर मैच की, हो सके क्या कि होगी ही होगी, चाहे हम करें चाहे और कोई करे, बट करेगा ज़रूर कोई। 20 रुपये और जॉर्ड मैट्रिक्स सामने की तरफ बैठे हुए हैं। और मैं अपनी टीम का नेम डालूं तो आप खिलाओगे, खिलाओगे कह रहे हो ना, खिला लेंगे ब्रो, सबको खिलाएंगे भाई। आप एक बार पता क्या, इस स्ट्रीम के बाद VC में आना, जो अभी भी बैठे हुए हैं वैसे हम कम्युनिटी VC में, बात कर लेंगे, सब बता देंगे हम आपको।
यस यस बीसी आना एक बार, कुछ शकुर भाई बाद में ये मैच के बाद आ जाना चाहे। यहाँ पे फोर एक आते ही खत्म हो चुके हैं बीस रिबेल के द्वारा। आकाश भाई क्योंकि आज तो भाई सिक्स वाला तो वो है टी टू तो आप खेल नहीं पाओगे, बाकी आप बी सी आ जाना एक बार, हम बात कर लेंगे, सब बता देंगे आपको। दोपहर के कस्टमर रजिस्टर कैसे करूँ? वॉरलॉर्ड गेमिंग भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन करके हमको मैसेज कर दीजिए। दोपहर के कस्टम जो है वो अलग डिस्कॉर्ड में होते हैं, तो उसका हम आपको लिंक दे देंगे, आप मेरे को मैसेज करेंगे DM तो डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो हम आपको दे देंगे लिंक। मिस्टर इंडिया को देखे जरा भाई, देखते हैं क्या ही मारेंगे ये सामने, इनके एयरपोर्ट की टीम है मिस्टर इंडिया के सामने। रॉयल की टीम ने यहाँ पे डिफोरस के NXT को कर दिया खत्म, TR की टीम ने भी यहाँ पे बंदों को कर दिखाया नॉक। देखे थे यहाँ पे BTX जायरस की हो चुकी है फाइन, यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, इनकी उआ की टीम के हो चुकी है ख़त्म, WD की टीम यहाँ पे पूरी तरह हो चुकी है ख़त्म, प्रवरेक्स की टीम को भी हम देख रहे हैं, TR की टीम ने वहाँ पे ख़त्म किया था एक टीम को, और ये फायर कहाँ जा रहे हैं मिस्टर इंडिया, यहाँ पे देखते हैं मिस्टर इंडिया को जरा। जॉर्ड की टीम भी वहाँ पे बीस्ट की टीम फायर देती हुई, और D4S के 69 भाई अकेले बचे हैं, इनके बाकी के जो एट्री भाई कहाँ पे है, ये आगे बढ़ चुके हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा आगे हैं यहाँ पे D4S के ये भाई अपनी टीम से अलग, मतलब दो बंदे हैं दोनों अलग अलग घूम रहे हैं यहाँ पे, क्या ही असर हो रही है, सारी की सारी टीम्स अलग अलग टीम्स के साथ फाइट लेते हुए। M4 के साथ यहाँ पे D4S की टीम ने वहाँ पे देखा जाए तो बीस्ट की टीम को बंदों को नॉक करा हुआ है, एंड जॉर्ड मैट्रिक्स अकेले बचे थे, उन्होंने D4S के उस बंदे को कर दिया है फिनिश जो कि इनके बंदों के नॉक करके बैठे हुए थे, और एक बंदे को नॉक फिनिश भी डाल के चले गए हैं वो। 69 भाई तो जोन से ही चले गए D4S के, बाकी बंदों को देखते हैं अभी, जोन छोटा है 16 बंदे रहते हैं, और यहाँ पे रॉयल बाबू भी नॉक हो चुके हैं TR की टीम की तरफ से, TCS जोकर बचे। देखते हैं पर रिवाइव दिया जा रहा है TCS चोकर की तरफ से, रॉयल बाबू को रिवाइव दे दिया जाएगा, एंड TR की टीम भी यहाँ पे जोन के लिए निकल चुकी है, पीछे देखे तो यहाँ पे मिस्टर इंडिया की टीम भी आगे की तरफ बढ़ी हुई है, ER4 की टीम यहाँ पे भाई TR के एक्सट्रीम OP को कर चुकी है नॉक, DP के साथ यहाँ पे TCS चोकर की टीम भी दे रही है फायर, कर दिया आपको DM, आप देख लेना स्ट्रीम के बाद। ओके ब्रो वॉलेट गेमिंग भाई दे देंगे हम आपको, एंड यहाँ पे जॉर्ड मैट्रिक्स ने कर दिया है नॉक ER4 रोमियो को, एंड वाले बंदे बचे हैं यहाँ पे ER4 सैम गेमर्स, अगर यहाँ पे जॉर्ड की टीम कर देती है रश तो भाई इनका बचना थोड़ा सा हो सकता है, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो सकता है, और यहाँ पे जॉर्ड सीन रख तो क्या ही नॉक किया है ER4 सैम गेमर्स ने, रॉयल बाबू ने यहाँ पे TRC के एक बंदे को इन्फर्नो भाई को कर दिया है नॉक,
डीपी से यहाँ पे रॉयल बाबू की तरफ से ईयरफोर्ड, सैम गेमर को भी कर दिया गया नॉक। ईयरफोर्ड रोमियो अकेले बचे हैं, सामने की तरफ से बीस्ट की टीम भी टच करेगी। जॉर्ज इंडेक्स को रिवाइव दिया गया था, प्ले जोन से हो चुके दोबारा से नॉक बीस्ट मिकी आगे तरफ बढ़ते हुए, बीस्ट मिकी को यहाँ पे नॉक कर दिया ईयरफोर्ड रोमियो ने, कर दिया है फिनिश। अब इनको भी जोन में जाना है एंड सामने जोर की उस बंदे को भी कर देगा फिनिश। अगर यहाँ पे देख लेते हैं रॉयल बाबू तो कर देंगे बूम बाम, वोर कर दिया है रॉयल बाबू ने यहाँ पे ख़त्म इनको। मिस्टर इंडिया को देखे ज़रा, फॉरएवर की टीम अभी तक पाइट लेती है, तीन टीम्स बची हैं जोन के अंदर। पी आर एंजल ने यहाँ पे टीसीएस जोकर को कर दिया नॉक फॉरएवर की टीम के। वैसे क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए होगा रजिस्टर करने के लिए ब्रो? रजिस्टर करने के लिए आपको तो उस डिस्कॉर्ड में अपने चारों के चारों मेंबर्स को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, जो भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं जो खेलेंगे T2। एंड 11 बजे रजिस्ट्रेशन ओपन होती है एंड कुछ सेकंड्स में ही रजिस्ट्रेशन में स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। मिनी के साथ यहाँ पे TCS जोकर ने TR के बंदे को नक कर दिया है, फॉरएवर की टीम ने यहाँ पे भाई TR की टीम के ऊपर कर दिया रश। TR के यहाँ पे रेंजर भाई नॉक पड़े हुए हैं, राजीव भाई बचे हुए हैं अकेले। राजीव भाई देखते क्या करते हैं, राजीव भाई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज, एक गोली के बचे हैं यहाँ पे राजीव भाई, और एक गाड़ी के नीचे से गोली अटैच होकर फॉरएवर एक्सनील ने कर दिया उनको ख़त्म। दो टीम्स बची हैं, मिस्टर इंडिया की टीम एंड रॉयल बाबू की टीम यहाँ पे। ओके यस, एंड मिस्टर इंडिया के ऊपर यहाँ पे DP का हार्ड पिक लेकर रखे हुए हैं रॉयल बाबू। इनके लेफ्ट में ही जस्ट दूसरा बंदा है मिस्टर इंडिया का, एंड पता नहीं वो क्या कर रहा है। तीन बंदे हैं यहाँ पे भाई, हमने देखे ही नहीं, यहाँ पे लेट के जा रहे हैं जैक्स गॉड के बंदे। और ये मिस्टर इंडिया को रॉयल बाबू ने नॉक कर दिया, पीछे जोकर की टीम ने यहाँ पे जैक्स गॉड को भी स्पॉट कर। ओ अच्छा, मेरे को लगा इन्होंने नॉक किया। बुबा जवान ने यहाँ पे M4 के 6x स्प्रे के साथ फॉरएवर एक्सनील को कर दिया था नॉक। कल से खेलेगी मेरी टीम अगर कर पाई। हाँ भाई, ये लो यही वाला डिस्कॉर्ड सर्वर है जो 77 स्पोर्ट्स में डाला है ना, चैट में यही डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें। जक्स की टीम यहाँ पे जोन से ख़त्म हो चुकी है एंड चिकन डिनर हो चुका है यहाँ पे फॉरएवर की टीम का। I'm taking back my life.
You break it, you lose it. Sorry, you're
भाई दिखाते हैं यार, हम हर टीम को दिखाते हैं, क्लियर एक्स्ट्रा हर टीम को दिखाते हैं हम। कैसे भाई इनवाइट करना, क्या देखा मैंने,
Sorry, your time is up.
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. हेलो आदित्य प्रताप सिंह, ये T3 में प्रमोट होना पड़ता है T3 खेलने के बाद, तो तभी आप खेल पाएंगे इसको। ओपन कस्टम भी थोड़ी देर में कराएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखे वो करवाएंगे जरूर।
इसी के साथ देखे तो भाई फॉरएवर की टीम के रॉयल बाबू यहाँ पे उतरे थे द
दबा के चले लेकिन तो राइट हो दीजिए दबा के सूट कर आया डरे में ऑनलाइन में कहंदे डीएस की टीम को देखे तो यहां पे भाई उतरी हुई है सामने की तरफ इनके बंदे हैं मुक्के मारते हुए डीएस के हमारे बंदे सामने की तरफ इनके टीयर के बंदे हैं एंड देखते हैं क्या ही होता है ताया ना करवे रुआया ना करवे एंड सरस भाई की टीम से हमारे भाई बकाड़ी खेल रहे हैं देखते हैं पकाड़ो उतरे हैं पकाड़ो में सामने की तरफ इनके आईआर कोर की टीम एंड देखिए तो भाई लॉर्ड मैट्रिक्स की टीम यहां पे है सामने की तरफ इन्होंने एंड टू लियो को कर दिया है फिनिश जो कि आई थिंक खेल रहे थे 1v4 क्योंकि अकेले ही मरते हुए दिखे हैं हमें अभी एंड बाकी की टीम्स की भी यहां पे फाइट हो सकती है यहां पे बोवा जवान ओपी बैठे हुए हैं सामने की तरफ इनके पूरी की पूरी टीम है टीम 10 मिस्टर इंडिया की टीम है यहां पे ये जो कि फाइट लगी क्लॉड ठाकुर खेल रहे हैं इनके साथ भाई ठाकुर भाई आ गए हैं ठाकुर भाई करेंगे बूम बम शूट कर आए ऑर्डर में ऑनलाइन वे अख नक नक चलो गाना लगा के ना मैं सुन लूं एक बार बोर हो रहा था थोड़ा तो स्ट्रीम पे तो आवाज जाएगी नहीं क्योंकि अगर स्ट्रीम पे आवाज जाएगी तो हम हो जाएंगे क्या कॉपीराइट और व्हाट एंड यहां पे मिस्टर इंडिया ने एकेएम के साथ जर्जिन नीजा को कर दिया है नॉक एंड मिस्टर इंडिया भी यहां पे नॉक हो चुके हैं क्लॉड ठाकुर बचाने के लिए जा रहे हैं और ये सामने एनएस की टीम भी है थोड़ी सी दूर टीम 10 के पास बचाने जा रहे हैं अपने टीममेट को और ये क्लॉड ठाकुर भी यहां पे नॉक हो चुके हैं कैंप करके मार दिया गया टीम 10 की तरफ से टीआरसी इन्फर्नो ने यहां पे नॉक कर दिया है बुवा जी यहां पे भाई एंड वाला बंदा बचा है टीआरसी इन्फर्नो देखते हैं बचा पाएंगे अपनी टीम को या नहीं फर्स्ट एड लगाते हुए फर्स्ट एड लगा के जाएंगे यहां से देखते हैं क्या ही करते हैं यहां पे ये टीम 10 तो खत्म हो चुकी है आई थिंक कैसे खत्म हुई बट और क्लॉड ठाकुर को बचाएंगे या नहीं ओए क्या कर रहे हो मर चुके हैं आइए मत करो और ये लो भाई यहां पे क्लॉड ठाकुर को भी और ये क्या भाई क्लॉड ठाकुर नहीं बचते अब और यहां पे टीआरसी इन्फर्नो देखे तो भाई मिस्टर इंडिया को बचाने गए अपने टीममेट को हाथ रख दिया एनएस की टीम वहां पे रश कर रही है V4 की टीम ने भी यहां पे कर दिया एक बंदे को नॉक ये रही V4 की टीम जिन्होंने किया है बंदे को नॉक ऑन फिनिश MW के सैम ओपी को यहां पे कर दिया फिनिश MW के बाकी बंदों को भी ऊपर भी रश हो चुका है एक और बंदे को फिनिश कर दिया गया एंड सामने की तरफ MW के बाकी टीम सामने के बंदे देख रहे हैं अभी हम इनको एंड यहां पे भाई E4 की टीम के बंदों को नॉक किया था बट 1-1 एचपी पे रह गई थी E4 की टीम अगर एक ही गोली और लगती दोनों को तो खत्म हो जाती एंड यहां पे E4 की टीम का हो जाता क्लच बट E4 की टीम ने बहुत बढ़िया खेला एंड कर दिया उनको खत्म STBN की टीम को देखते हैं सामने की तरफ इनकी फाइट हो सकती है एनएस की टीम ने यहां पे मिस्टर इंडिया को जो फिनिश किया था वो भी शो हो रहा है सरस भाई की टीम देखते हैं कब रश करेगी यहां पे बकाड़ी को देखे तो भाई लेटे हुए हैं सामने की तरफ इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड है थोड़ा सा हम देखते हैं इससे यूडी की स्क्वाड है ये ऑबिट को देखे तो ऑबिट 07 की स्क्वाड है यहां पे ऑबिट 07 07 को देख रहे हैं ऑबिट 07 को भी हम एंड 3 डिसलाइक आ चुके हैं भाई मेरे गला खराब है बहन की डंटनाटन डीएस के वाइपर को देखे तो भाई यहां पे इनके पास हमको लग रहे थे लॉस लियोन में बंदे बट थोड़ा सा दूर ही हैं इनसे बंदे एंड देखे तो भाई एसटीबीआर की टीम अभी भी यहां पे बैठी हुई है एंड सामने इनके बंदे अभी तक किसी भी बंदे को नॉक नहीं किया गया एंड हम चाहते हैं कि जल्दी से किसी ना किसी बंदे को नॉक करें इनके ऊपर हो या फिर
या फिर ये रश करे तो हम देखे भाई क्या करते हैं ये। एंड यहाँ पे भाई कर दिया गया है टीम फाइव के एक बंदे को नॉक सरस भाई की तरफ से शायद से। एंड सामने की तरफ टीम फाइव के ऊपर हो चुका है रश। नेट निकाल लिया ब्रीकर ने, नेट अनपिन करके रखा है और ये भाई गलत अपने ही ऊपर नेट कर दिया। बट यहाँ पे ऊपर चढ़े हुए वेब टीएनटी ने कर दिया है नॉक ब्रीकर को। गलत ब्रीकर भाई ने यहाँ पे बहुत ही गलत किया जिसकी वजह से उनकी टीम को यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनकी टीम के बंदे यहाँ पे नॉक हो रहे हैं। सरस भाई को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। रैक्स ओपी बचे है ब्रीकर के एक गलत नेट की वजह से, एक गलत चीज़ की वजह से यहाँ पे गलत काम हो गया है। बकाडी को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है रैक्स ओपी की तरफ से। एंड यहाँ पे भाई ऊपर चढ़ रहे थे, एक बंदे को नॉक किया दूसरे बंदे के लिए, गन स्वैप की यूसी में हो चुके हैं यहाँ पे खत्म। एंड यहाँ पे देखो तो BTX के जायरस भाई भी नॉक हो चुके थे, खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे रिया भाई अकेले बचे हैं, मिस्टर एक्स की टीम है सामने। देखते हैं भाई रश करेंगे या फिर क्या होगा। और यहाँ पे देखे तो भाई नॉक कर दिया टीम फोर के एक बंदे को, फिनिश कर दिया है TUE के ट्यूजडे की टीम की तरफ से कर दिया गया फिनिश। सामने की तरफ बचे हैं टीम फोर के दो बंदे। एंड उसी के साथ क्या स्प्रे दिया है OB07 को, बट थोड़ी सी गोलियाँ मिस हो गई थी और ये दूसरे स्प्रे से भी मिस हुई गोलियाँ थोड़ी सी, नॉक नहीं कर पाए। यहाँ पे उजी के साथ भाई लिटरली 1 HP कर दिया इनको भी, 1 HP नहीं 10 HP किया है। दूसरे वाला बंदा 15 HP। यहाँ पे TUE रिया OP TPP ले रहे थे, वहाँ पे हील कर चुके हैं टीम फोर के बंदे नेड करते हुए ऊपर की तरफ। और ये इनको भी पड़ा है डैमेज, एनर्जी ड्रिंक लगा रहे हैं। आई थिंक इनको सीढ़ियों के बीच में खड़े होना चाहिए जाके, ताकि थोड़े से बच के रहें ये। हेलो हाँ जी, देखे तो भाई रिया ओपी यहाँ पे भाई TPP ले रहे हैं, केम हाथ में पकड़े हुए। हाँ बोल बोल बोल। खरीदनी कहते हैं मेरे को बता दियो, खरीद दूंगा। कितने की है? मतलब हाँ अच्छा, तेरे पास कैश है? मोबाइल वाली दुकान पे जाना है जिसकी। हाँ हाँ सब चलता है, गूगल पे वगैरह सब कुछ, गूगल प्ले। रिडीम कोड कहाँ से लेगा तू? तो पेटीएम क्यों नहीं हो रहा फिर? गूगल प्ले रिडीम कोड मैं तुझे देख के बताता हूँ, वो कोडा शॉप से खरीदा जाता है ना। और नहीं जो तू कह रहा माइनक्राफ्ट का, मैं देखता हूँ अगर बट इतने देखता हूँ मैं, करता हूँ अगर उसका कुछ हो सकता है तो बात करता हूँ मैं किसी से। तो VC में आ जाइए ना, अभी तो मैं स्ट्रीम कर रहा था। ठीक है ठीक। और यहाँ पे HSM जो है कर रहे थे हील। अच्छा सर, ऊपर की तरफ नेड करते हुए खींच के बैठे हुए बैरो वाला जिन्हें यहाँ पे एक बंदे को नक गया है, एक केएम के साथ नॉक किया है एक बंदे को। एंड देखे तो भाई DS की टीम के भी यहाँ पे हो सकती है फाइट। DS का बंदा यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए आगे, सामने आई थिंक एक बंदा नॉक भी पड़ा हुआ है टीम थ्री का, एंड उसको उठा भी लिया गया है आई थिंक। यहाँ पे TR रेंजर को कर दिया गया रिवाइव। एंड आई थिंक रश होने ही वाला है इनके ऊपर, बट हो नहीं रहा है, तो चलते हैं दूसरी किसी टीम को भी देखते हैं। जोन देखे तो भाई आधा जोन जो है पानी,
इस तरफ भी बना हुआ है। एंड जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाओ, यहाँ पे भसड़ होने वाली है। HSM की टीम के ऊपर बंदे हैं भाई, ये थोड़ी सी बहुत गलत सिचुएशन हो जाती है जब हम नीचे हों और दुश्मन ऊपर हों, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। बैरोलादीन ने यहाँ पे भाई M416 के साथ D4S के एक बंदे को किया था नॉक, और यहाँ पे भाई बैरोलादीन को नॉक करने की कोशिश की जा रही, और ये भाई AKM के साथ टीम 19 के लियो को कर दिया है नॉक फिनिश D4S की टीम के बंदे ने। एंड HSM को भी यहाँ पे नॉक कर दिया, अकेले बचे हैं बैरोलादीन। देखते हैं भाई बैरोलादीन क्या करते हैं अपनी टीम को बचाने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ तक देख रहे हैं हम जो टीम 9 के बंदे हैं वो HSM को भी फिनिश करेंगे और कर भी चुके हैं। बैरोलादीन आगे की तरफ M4 लेकर हाथ में बढ़ते हुए, इनको भी आई थिंक टीम 9 के इस बंदे को D4S के NXT को कर देना फिनिश चाहिए, एंड फिनिश कर भी दिया है इन्होंने। हैं जिन्ना यहाँ पे देखे तो भाई बैरोलादीन आगे की तरफ बढ़ते हुए नीचे ही है D4S के वो बंदे, और ये क्या दिख रहा है हमको ग्लिच से। एंड नीचे अब बैरोलादीन के पास थोड़ा सा एडवांटेज, हाइट का एडवांटेज जो कि आई थिंक D4S के बंदे को मारने के लिए इनके लिए इनफ है, बट यहाँ पे दोनों ही बंदे इक्वल HP पे लिट थे, और ये M4 को स्वैप करके बैरोलादीन ने कर दिया ख़त्म। टीम 6 के बंदे भी हमें दिख रहे हैं यहाँ से सामने की तरफ भवानी बैठे हुए हैं, एंड वहाँ पे भी फाइट हो सकती है क्योंकि E4 के मैक्सिमस भाई भी वहाँ पे हैं, एंड आई थिंक इनकी फाइट हो ही रही है एक्चुअली, क्योंकि तीन के तीन बंदे E4 के यहाँ पे थोड़े हर कोई डैमेज्ड हैं। एंड यहाँ पे देखे तो भाई NS की टीम की भी हो सकती है फाइट सामने की तरफ इनके। आई थिंक F4EVER की स्क्वाड है, क्योंकि जो सब नीला रंग है, नीला फॉरएवर का रंग हमें ज़्यादातर याद हो रखा है कि नीला रंग हो तो फॉरएवर की टीम ही होगी। तो यहाँ पे देखते हैं भाई फॉरएवर की टीम को NS की टीम कर पाएगी ख़त्म या फिर NS की टीम को कर देगी फॉरएवर की टीम ख़त्म। पीछे से बग्गीज भी आ रही हैं फॉरएवर के, बाकी फॉरएवर नहीं यहाँ पे टीम 4 ने भी आके कर दिया रश। NS की टीम यहाँ पे भाई अंधों की तरफ भागी टीम 4 की तरफ मारने के लिए उनको। टीम 4 की टीम का ध्यान देखते हैं भाई किस तरफ है अभी, दोनों के दोनों बंदे अलग अलग डायरेक्शन में देखते हुए, दोनों के दोनों तरफ अलग अलग टीम। एक ये और ये नेड के साथ जैन जी को कर दिया है नॉक। टीम 4 को यहाँ पे आई थिंक फॉरएवर की टीम ने और NS की टीम ने मिल के यहाँ पे भाई टीम 4 को कर दिया ख़त्म। वहाँ पे टीम 4 टीम 1 के रॉयल बाबू भी यहाँ पे आगे की तरफ घुस चुके हैं। NS निक्सटार को कर दिया नॉक, NS माफ नॉटी ने रॉयल बाबू को कर दिया नॉक। एंड वहाँ पे देखे तो भाई क्रूअल सामा दोनों को ही अकेले ले गए, फॉरएवर कश्यप एंड फॉरएवर नील को दोनों को ही इकट्ठे ले गए हैं। TCS जोकर देखे तो भाई रिवाइव करने जा रहे हैं रॉयल बाबू को, रिवाइव करने के लिए बैठ चुके हैं सामने अप नोटी एंड NS निक्सटार। अब देखने वाला ये है कि इसके बाद TCS जोकर और रॉयल बाबू क्या करते हैं। मॉली फेंक दी गई है हमें ब्रोकन वॉल के आगे। एंड यहाँ पे भाई M4 का स्प्रे नीचे मारा, गाड़ियों का दाढ़ी के नीचे मार के पैरों में मार के नॉक करने की कोशिश करी जा रही थी, और ये भाई उधर नेड कर दिया गया NS की टीम। उधर से भाई जक ओपी आते हुए एंड क्रूअल सामा आते हुए, जक ओपी आ रहे थे यहाँ पे, जक ओपी को आई थिंक नॉक कर देंगे और कर दिया है थॉमसन के साथ नॉक। क्रूअल सामा पीछे से आ रहे हैं, क्रूअल सामा को देख लिया गया और ये क्रूअल सामा को भी नॉक करके यहाँ पे भाई NS के दो बंदों को नॉक किया गया, एंड एक को तो फिनिश ही कर दिया गया निक्सटार सामने की तरफ TPP लेते हुए दीवार के ऊपर। एंड यहाँ पे भाई TCS जोकर आगे की तरफ बढ़ते हुए आई थिंक जाना चाहिए इनको। कश्यप भाई को देखते हैं बचा पाएंगे या नहीं, कश्यप भाई बहुत ही ज़्यादा कम HP पे, कश्यप भाई को हाथ रखते हरा ही नहीं पाए फॉरएवर नील को, बट लगता है हमें कि बचा पाएंगे ये। बट रॉयल बाबू यहाँ पे भाई अकेले कमांड संभालते हुए आगे की तरफ फायर देते हुए नेट स्मोक करते हुए, एंड यहाँ पे देखे तो भाई कश्यप और ये पीछे से देखे तो एक और टीम आ चुकी है, और भाई अब देखना होगा कि यहाँ पे ये भसड़ कहाँ पे अंत होती है। ER4 की टीम भी आ चुकी है यहाँ पे, देखे तो हमारे सामने ऊपर से नेड उछलता हुआ था और रॉयल बाबू यहाँ पे अंदर घुस चुके हैं। रॉयल बाबू देखते हैं यहाँ पे स्मोक के अंदर फायर मार के रैंडम फायर मार के कर दिया है क्रूअल सामा को दोबारा से नॉक।
एंड देखते हैं भाई अब डीएस वाइपर को, वो भी यहाँ पे एकेएम के साथ टीयर की टीम ने नॉक किया है, जो कि हमें किल फीड में दिख रहे हैं। क्रूअल सामा अभी तक नॉक पड़े हुए हैं, इनको रिवाइव नहीं किया गया अभी तक। रॉयल बाबू अंदर से आ रहे हैं, निक स्टार भी आगे की तरफ बढ़ चुके हैं टीपीपी लेते हुए। यहाँ पे रॉयल बाबू सामने ही इनके जस्ट हैं। क्रूअल सामा को रिवाइव देने के लिए यहाँ पे एनएस निक स्टार पहुंच चुके हैं, हाथ रख दिया गया है यहाँ पे। भाई पीछे की तरफ देखे तो ईआर फोर की टीम को देखे तो भाई इन्फिनिटी यहाँ पे लेटे हुए हैं, सैम गेमर यहाँ पे हैं थोड़े से दूर, एंड भाई जो रोमियो है रोमियो को तो देखते हैं भाई यहाँ पे फॉरएवर की टीम के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये जोन के बाहर भी वहाँ पे फाइट होती हुई फॉरएवर एक्सनील को यहाँ पे देख लिया गया था, एम्फर का स्प्रे मार के कर दिया ईआर फोर रोमियो ने नॉक, नेट खींच लिया है, नेट डालेंगे वहाँ पे। साथ ही ईआर फोर की टीम ने कर दिया है बग्गी लेके रश, नेट डाला गया, नेट से बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे फॉरएवर एक्सनील दोबारा से। प्रवैक्सनील को रिवाइव दिया जा रहा है और रिवाइव दे दिया गया, एक और नेड आया एंड आई थिंक दोबारा से नॉक हो सकते हैं यहाँ पे फॉरएवर एक्सनील, बट नहीं हुई। यहाँ पे हील लगा चुके हैं एक्सनील भाई एंड यहाँ पे ईआर फोर की टीम रश करते हुए, ईआर फोर की टीम दूसरी साइड से आते हुए, टीम 20 के तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे आ चुके हैं आई थिंक, तो नहीं दो बंदे आए हैं इनके यहाँ पे एंड एक बंदा इनका थोड़ा सा अलग है इनसे। बस टीपीपी लेते हुए यहाँ पे नीचे उतर चुके हैं, टीसीएस जोकर ने आगे की तरफ स्मोक कर दिया एंड यहाँ पे एकेएम के साथ एनएस क्रूअल सामा ने कवर दे दिया फॉरएवर की टीम को। और यहाँ पे रॉयल बाबू अकेले फंसे हुए हैं यहाँ पे और ईयर फोर के उस बंदे को कर दिया गया स्कारर के साथ एनएस क्रूअल सामा की तरफ से फिनिश। फॉरएवर एक्सनील यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, घुस रहे थे एआर फोर रोमियो, उनको कर दिया गया नॉक एंड फिनिश। एक और नेड फेंक दिया गया यहाँ पे टीसीएस जोकर की तरफ, रिवाइव कर रहे हैं फॉरएवर एक्सनील को टीसीएस जोकर। ईआर फोर इन्फिनिटी यहाँ पे घुसते हुए देखते हैं, इन्फिनिटी भाई यहाँ पे घुस रिवाइव दिया जा रहा था और ये कर दिया यहाँ पे फॉरएवर की टीम को ख़त्म। रॉयल बाबू को यहाँ पे एनएस की टीम इसी तरह से ख़त्म कर दिया गया था एंड यहाँ पे ईआर फोर ने आके फॉरएवर की टीम को कर दिया फिनिश। एंड एनएस की टीम के पास अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि ईआर फोर के बंदे यहाँ पे हील कर रहे हैं जो कि एंड वाले बचे हैं वहाँ पे, एंड अगर अभी रश करते हैं तो थोड़े से इनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पे ख़त्म करने के। जिंदगी है तेरे नाम, ओ जोन इतना बड़ा नहीं, जोन इतना छोटा है बड़ा है पता नहीं लग रहा है, बट टीम्स हमें थोड़ी थोड़ी ही दिख रही हैं क्योंकि मीरा माँ जो है जिंदगी है तेरे नाम। सजना मैनू तेनू सॉरी। एंड यहाँ पे टीआर की टीम भी आ रही है भाई, एनएस की टीम के पास से गुजरती हुई टीआर की टीम, एनएस के क्रूअल सामान यहाँ पे दिया उनको स्प्रे, बट आगे की तरफ निकल चुकी है टीआर की टीम। यहाँ पे बग्गी लेके एनएस के क्रूअल सामान भी निकल चुके हैं, टीआर की टीम सामने की तरफ जाते हुए हमें जैसे देख रही थी अभी। एंड यहाँ पे भाई ईआर फोर का एंड वाला बंदा जो बचा हुआ है अभी भी वहीं पे है एंड वो भी पीछे से फायर देते हुए ना क्रूअल सामा को कर दिया उन्होंने थोड़ा सा डैमेज, बट यहाँ पे जोन में पहुंच चुकी है ना उसकी टीम एंड देखते हैं भाई एयरफोर्ट के उस बंदे को आने देंगे अब जोन में या नहीं। एयरफोर्ट के बंदे ने अब बग्गी उठा ली है, रोटेट मार के जाएंगे पूरा आई थिंक सो। एंड क्या ही जोन बनाया है यहाँ पे डोमी भाई को देखे तो भाई डोमी की टीम है यहाँ पे भाई टीम टू। जिंदगी
करो भाई रश करो। और यहाँ पे देखे तो भाई जॉर्ड की टीम ने सामने की तरफ कर दिया है बंदों को नॉक, एंड आगे की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पे बीस्ट की टीम, टीम टू के यहाँ पे एक बंदे को कर दिया गया गाड़ी के साथ, बीस्ट रिवेल की तरफ से इसको नॉक किया गया था एंड उसको फिनिश भी कर दिया गया यहाँ पे। भाई क्या ही स्प्रे शिफ्ट करे जा रहे हैं जॉर्ड मैट्रिक्स की तरफ से, बट बीस्ट के रिबेल भाई भी नॉक हो चुके हैं और ये बीस्ट मिकी को नॉक कर दिया गया है। यहाँ पे भाई जॉर्ड के शिनरैक्स बचे हैं अकेले जो कि M4 के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, एंड वहाँ पे भाई टीम टू के बंदे सामने की तरफ इनको दिख नहीं रहा क्या है भाई, किया क्या जा रहा है ये क्या कर रहे हैं ये जॉर्ड के शिनरैक्स भाई। यहाँ पे थोड़ा सा हग रहे थे बट कर दिया है उनका काम थोड़ा सा ईजी ईयर 4 के इन्फिनिटी भाई ने, जो कि उधर जाके भाई उनकी फाइट, उनकी मुँह लगी फाइट को लेके टीम टू के बंदों को ख़त्म कर चुके हैं। टीम 15 ने भी यहाँ पे ईयर 4 के बंदे को कर दिया ख़त्म, E4 ने ईयर 4 को कर दिया ख़त्म। जॉर्ड मैट्रिक्स की टीम वहाँ पे रिवाइव देते हुए, जॉर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, रिवाइव हो चुके हैं यहाँ पे जॉर्ड मैट्रिक्स, सॉरी रिवाइव ले रहे थे, हो चुके हैं। E4 की टीम भी आई थिंक इधर ई आ रही है एंड आई थिंक उनको पता है कि वहाँ पे बंदे नॉक हैं। M24 का शॉट निकाल के, पीक निकाल के बैठे हुए हैं और यहाँ पे भाई टीम 13 के बंदों ने यहाँ पे क्या ही M4 का स्प्रे दिया है E4V को, E4X को कर दिया है लिटरली 10 HP, E4 प्रेग्नान को भी यहाँ पे कर दिया गया डैमेज। मिनी 14 के साथ यहाँ पे पीछे से NS पफ नोटी करते हुए थर्ड पार्टी कर दिया है E4 के बंदों को नॉक, एंड सामने बीस्ट के बंदे नॉक पड़े हुए थे उनको भी हो चुके हैं, वो भी रिवाइव, बीस्ट रिवाइव हो चुकी है। यहाँ पे जॉर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे नेट के साथ, E4 के नेट के साथ हो चुके हैं नॉक। जॉर्ड सिंड्रैक्स आगे की तरफ बढ़ते हुए और ये भाई M4 का रेड डॉट कॉल के स्प्रे देके नॉक करने की कोशिश बट हो कर नहीं पाए। बीस्ट रिवाइव यहाँ पे जॉर्ड मैट्रिक्स को कर रहे हैं रिवाइव एंड यहाँ पे देख लिए गए हैं दोबारा से नॉक हो चुके हैं वहाँ पे। और ये भाई AKM का इन्होंने हक दिया है हिप फायर और हो चुके हैं फिनिश यहाँ पे। E4 की टीम बची है, NS की टीम बची है यहाँ पे भाई, NS के क्रूअल सामा स्मॉफ नोटी भी नॉक पड़े हुए हैं। TR की टीम बची है, TR की टीम ने अभी स्मॉफ नोटी को नॉक किया है एंड यहाँ पे टीम 5 के भी दो बंदे बचे हुए हैं अभी एंड देखते हैं यहाँ पे भाई स्मॉफ नोटी को देखा गया है या नहीं। स्मॉफ नोटी को देखो तो यहाँ पे भाई वो भी देखे तो भाई लिटरली 10 HP ही बचे हुए हैं, नीचे TR की टीम भी है। स्मॉफ नोटी हो चुकी है ख़त्म, अकेले बचे हैं NS के, आई थिंक क्रूअल सामा बचे हैं अब। स्मॉफ नोटी तो ख़त्म हो चुके हैं, और ये भाई बाहर थे जोन के TR की टीम, उनको यहाँ पे E4 की टीम जोन के अंदर से ही करती हुई उनका बुम्बा M24 के शॉट्स, M4 के स्प्रे, क्या ही क्या चलता हुआ यहाँ पे भाई। इसी के साथ TR की टीम को भी लगभग ख़त्म कर दिया गया है, जोन आ चुका है TR की टीम के लिए, जोन में आना बहुत मुश्किल लगता हुआ हमें। NS क्रूअल सामा यहाँ पे जोन पे निकल चुके हैं गाड़ी के साथ, E4 के प्रज्ञान भाई स्प्रे मारते हुए M4 का, बंदा जो एंड वाला बचा है डियर रेंजर, आई थिंक जोन में आने में नाकाम भी रह सकते हैं या फिर आ भी सकते हैं, देखते हैं भाई कुछ पता नहीं अभी। अभी तो हमें लग रहा है कि पहुंच ही जाएंगे यहाँ पे ये टीम 3 के ये बंदे जोन के अंदर, फर्स्ट एड लगा लगू के एडजस्ट करते करते शायद से पहुंच जाएं, अगर इनके पास हेल्थ हो, हेल्थ ख़त्म ना हो तो भाई इजी पहुंच सकते हैं। ये जा रहे हैं जोन में पैदल, अगला जोन चालू होने में भी 40 सेकंड रह गए हैं एंड TR के रेंजर भाई पहुंच जाएंगे जोन में 100%। और ये भाई मैकलेरन इनके स्वागत में यहाँ पे खड़ी हुई है, मैकलेरन में बैठ के जाएंगे अब। मैकलेरन में बैठिए क्योंकि यहाँ पे E4 की टीम यहाँ से जा चुकी है, NS के क्रूअल सामा और यहाँ पे टीम 5 बची हुई है। और
और ये सामने टीम फाइव है एंड आई थिंक टी आर के रेंजर भाई सीधा ही सीधा उधर की डायरेक्शन में जा रहे थे, बट मीरा मार के जो खड्डों की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज होती हुई पेड़ के बीच में टकरा के गाड़ी उल्टी हो गई, उतरे गाड़ी से पेड़ के कवर में जाते हुए सामने की तरफ ड्रॉप, ऊपर की तरफ टीम फाइव के यहाँ पे स्प्रे आ चुके हैं, इनको पोजीशन थोड़ी सी पता लग गई होगी रेंजर भाई को अंदाजे से। एंड ई फोर के मैक्सिमस की भी यहाँ पे बग्गी की आवाज़ आ चुकी है, ई फोर मैक्सिमस ने यहाँ पे एनएस के क्रूअल सामा को कर दिया फिनिश, जो कि आखिरी बंदे बचे हुए थे। मैक्सिमस की तरफ से यहाँ पे कोर को भी कर दिया है नॉक, कोर को फिनिश करा जा रहा था बट कर नहीं पाए, टीम फाइव के बंदे वहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं एंड ई फोर की टीम वहाँ पे रश कर देगी। एंड टी आर के रेंजर भाई ने यहाँ पे एड्रेनलिन लगा ली है, ई फोर की टीम को पीछे से जाके अगर चाहें तो भाई टी आर के बंदा जो है ये ईजी ले सकते हैं, बट लूट में यहाँ पे टाइम वेस्ट करें एंड भाई ये लूट इनके लिए महंगी पड़ सकती है क्योंकि स्ट्रीम पे डिले थोड़ा सा कम है। अगर ई फोर के बंदे स्ट्रीम नहीं, डिले तो बहुत है, मतलब इतना तो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ये यहाँ पे अपनी मौज करते रहें और उधर वो इनको बख्श दें। एंड भाई मेरे को लग रहा है इनको भाई ई फोर की टीम की तरफ जाना चाहिए था भाई, अगर यहाँ पे रह के क्या ही भाई, मतलब जोन के अंदर आ गए चलो वो तो बढ़िया बात है, बट ई फोर की टीम वहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड है। और ये अब 1v4 की सिचुएशन, क्या 1v4 हो पाएगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है गाइस, क्या लगता है आपको 1v4 होगा या नहीं, टी आर रेंजर भाई कर पाएंगे 1v4 या नहीं। ले और वो अंधी गोलियां चला रहे हैं वहाँ पे E4 के बंदे को, क्योंकि उनको भाई अपने ऊपर आई थिंक ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या भाई, वो देखिए कैसे ही गाड़ी उड़ रही है, बग्गी कैसे ही उड़ रही है मैक्सिमस की, और ये बग्गी की पूंछ बना दी यार, ये हो गया यहाँ पे बहुत गलत काम, टीआर रेंजर ने बहुत गलत काम कर दिया यहाँ पे भाई, और इसी का भाई अब तो भाई E4 की टीम का ध्यान हो चुका है इनके ऊपर एंड अब नहीं बचते भाई, अब E4 की टीम जो है घुसेगी इनके ऊपर, वो देखने वाला होगा कि कैसे अंधा घुसती है E4 की टीम इनके ऊपर। मॉलिस की बरसात कर दी है यहाँ पे E4 के एक बंदे ने आगे पास में, ओ भाई कहाँ घुस रहे, और ये नॉक, फिनिश डाल ऊपर भागना चाहिए आई थिंक इनको, पूरी की पूरी टीम इकट्ठी घुसेगी, नेड भी फेंकने चालू कर दी उन्होंने, एक और बंदा नॉक, फिनिश डाल और फिनिश नहीं डालने दिया है उन्होंने, देखते हैं यहाँ पे भाई कर पाएंगे, और भाई इसको अगर नॉक कर देते ना भाई, करते ओ नाइस, हील लगाओ फर्स्ट एड लगानी चाहिए एंड फर्स्ट एड लगाते ही इनको नीचे कूद के करना चाहिए भाई बूम बम, अगर यहाँ पे भाई 1v4 के साथ ये चिकन कर लेते तो क्या ही होगा। और ये भाई एंड वाला बंदा बचा है यहाँ पे स्वैप करके M4 के साथ, भाई क्या ही खेले थे यहाँ पे टीआर रेंजर, बट शायद से वो करवा देते चिकन यार, अगर वो स्वैप ना करते AKM, क्योंकि दो तीन गोलियाँ ही चली थी उनकी AKM की, बाकी की गोलियाँ भी प्रेजेंट थी तो उनसे वो ले जा सकते थे उस बंदे को भाई, बट स्वैप करने के चक्कर में हो गया उनका बुम्बा। क्या ही खेले भाई टीआर के बंदे ये,
क्या ही भाई, क्या ही खेले थे यार, मतलब देखने में मजा आ गया ना जो। एंड भाई जो इसी के साथ भाई खत्म करते हैं ये भी स्ट्रीम, तो मिलते हैं आपसे कल, विदा लेते हैं अभी के लिए, तो बाय बाय। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम जल्द से जल्द ग्रो करें। तो इसी के साथ हमारी आउट्रो चालू होने जा रही है, तो बाय बाय।